हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फोर फोर्स राउंड 819 डेटेड फोर डी वन प्लस डी टू और क्वेश्चन नंबर ए। ओके, सो बिफोर डेट अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलूंगा एंड चैनल पर बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट है तो आप एक बार चैनल को एक्सप्लोर जरूर करना। एंड आपको अगर कुछ लगता है कि इस पर और कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ, कुछ और नए चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो ऐड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता। बहुत सारे लोगों ने बताया है, मैं उसको लिस्ट आउट किया हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे से टाइम मिलता है मैं चीज़ों का अपडेट कर दूँगा। ओके ओके, सो क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक एरे है एल लेंथ का, सारे जो नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर। वी विल डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस। एक ऑपरेशन है लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमें सिर्फ उसको एक बार ही करना, उस ऑपरेशन को एक बार ही परफॉर्म करना एरे पर, उसके बाद हम नहीं कर सकते। राइट, ऑपरेशन क्या है कि आपको एक सब सेगमेंट चूज करना, सब सेगमेंट कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ एरे। राइट, ओके, सो लेट्स सपोज कि वी हैव एन एरे ऑफ फाइव लेंथ और सिक्स लेंथ। सो एक सब सेगमेंट चूज करना है तो आपको किसी पॉइंट से, आईथ पॉइंट से अब जेथ पॉइंट तक चूज कर लो, तो आपका जो आई है आई प्लस वन होगा, आई प्लस टू होगा, राइट टिल जे, सारे नंबर जो होंगे, सारे के जो नंबर होंगे वो इंक्लूड होंगे, ये आपका एक सब सेगमेंट हो गया। लाइक कंटिन्यूअस आई से आपको जे तक सारे एलिमेंट को चूज करना है, किसी को आपको छोड़ना नहीं है। यानी कि आप आई को ले रहे हो, आई प्लस थ्री को ले रहे हो, उसके बाद सीधे जे को ले रहे हो या जे प्लस टू ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो ये हो गया आपका सब सेगमेंट। तो बेसिकली हमें वही करना है, एक सब सेगमेंट चूज करना है और उसको साइक्लिकली आपको रोटेट करना, तो वो आप किसी भी अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक, तो आपको एक्सप्लोर करना कि क्या करना, आपको दो इंटीजर चूज करने हैं एल एंड आर। एल जो होगा बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एल आर जो होगा एंडिंग पॉइंट बता रहा होगा उस सब सेगमेंट का, जैसे मैं यहाँ पे आई एंड जे कर लिया हूँ। ठीक है, एंड उसको आप के टाइम क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अब रोटेट क्या करना है, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास जो है पहले कुछ इस तरह से फोर सिक्स एट टेन वन थ्री फाइव सेवन, लेट्स सपोज वी हैव एन एरे लाइक दिस। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल स्टेटमेंट पे चलो, वो भी कर सकते हो या डायरेक्ट मैं बता देता, बट यहाँ पे स्टेटमेंट से समझो क्या बोल रहा है कि एल टू आर अगर आपने एक सब सेगमेंट चूज किया है, तो लेट सपोज मैंने एल टू आर जो सब सेगमेंट चूज किया है ये है, ये एल है और ये आर है। एल हो गया बेसिकली यहाँ पे टू और आपका बेसिकली हो गया थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी बोल रहा कि ए एल को ए एल प्लस वन करना सेट, ए एल प्लस वन को ए एल प्लस टू, मीन्स जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आपका नया जो बनेगा आफ्टर लाइक हम एक रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन में फोर टू एज इट इज होगा, सिक्स एज इट इज होगा। टेन वाला बोल रहा कि ये अगला जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके साथ इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पे हो गया टेन। ये टेन के लिए बोल रहा है कि इसके अगले एलिमेंट को लो, ठीक है, वन के लिए बोल रहा है ये नेक्स्ट एलिमेंट को ले लो, और ये थ्री वाले के लिए बोल रहा होता है, अब देखो थ्री वाले के लिए क्या बोल रहा है, ये आर वाला जो आपको चूज करना है उसके यहाँ पे सेट करना ए एल, तो इसके लिए यहाँ पे एट आएगा। इसके लिए ये चीजें आपको ऐसे हो रही है, देखो ये एक साइकिल शिफ्ट ऐसे ऐसे, ये अगर हम सर्कल देखें आठ दस एक और तीन के लिए साइक्लिक वे में ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो थ्री के जगह पे एट आ गया, एट के जगह पे टेन आ गया, टेन के जगह पे एक के जगह पे देखो एक के जगह पे तीन के जगह, ऐसा आप समझ सकते हो। यही एंटी क्लॉक में बोलता तो इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है, तो फिर एट के जगह पे तीन, तीन के जगह पे एक, एक के जगह दस, दस के जगह आठ, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा ही है, अभी आपको साइक्लिकली रोटेट करना। एंड उसके बाद पाँच और सात आपके एज इट इज, देखो फोर एंड सिक्स एंड फाइव एंड सेवन ये आपका चेंज नहीं हो रहा, आपने क्योंकि रेंज चूज किया है एल एंड आर का, जो आपका जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपको चेंजेस हो रही है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना।
अगर मैं एलआर अपना चेंज कर दूंगा तो फिर ये अलग मूव हो, राइट। तो बेसिकली ये जो आपको क्या करना है, आपको ये रोटेट कर रहे हो, ये कितना बार भी आप चाहो कर सकते हो इस बार, ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है कि आपको जो एलआर चूज करना है वो आप सिर्फ एक ही बार, उसके बाद आप जितना बार चाहो उसको रोटेट कर दो। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि लास्ट एलिमेंट जो होगा उस एरे का और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है एन माइनस ए वन, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। देखो बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर ब्रेक डाउन करके सारा कुछ, आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, हमें मैक्सिमाइज करना है, हमारा गोल क्या है, हमें मैक्सिमाइज करना है ए इन माइनस ए वन, इसे करना हमें मैक्सिमाइज, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, टेस्ट केस नंबर ऑफ एलिमेंट एंड रेंज ऑफ एलिमेंट देखो बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में वरी नहीं करना है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इसको वीगो एन वे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप ढंग से समझ चुके हो, अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे, एंड देन हम लोग इसका कोड डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं वहीं से शुरू करूंगा जो पिछला बार मैंने, लाइक जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन, तो एंड क्या है, हमें क्या करना है, ए इन माइनस ए वन को करना है मैक्सिमम, ठीक है। और ये मैक्सिमम का वो लाइक ये सिंपली आप देखो तो डिपेंड कर रहा है कि ऐसा कुछ हो कि ये वाला देखो, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाली जो पॉजिटिव वैल्यू हो वो मैक्स की तरफ जाए और ये जो निगेटिव टाइप की वैल्यू है ये मीन की तरफ जाए। बहुत सिंपल है, अगर मैं 2 और 4 लिख रहा हूँ वो इसका जो डिफरेंस होगा वो मैक्स नहीं होगा, अगर यहाँ पे 4 और 2 लिख रहा हूँ अब डिफरेंस यहाँ पे मैक्स होगा, ए माइनस बी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा यहाँ पे आपका जो है, ठीक है। तो आप ये नहीं करना कि 2 माइनस 4 जो है वो भी 2 है, इसका ले लिया मैंने एक्चुअली डिफरेंस तो ये 2 ही है और इस केस में भी 2 है, नहीं यहाँ पे आपको देखो ध्यान से देखो ए इन माइनस ए वन लिखा हुआ है, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उस चीज पे नहीं जाना, ओके। तो बेसिकली बहुत सिंपल अप्रोच है, ए इन को मुझे रखना है मैक्सिमम की तरफ, ए वन को जितना मिनिमम हो सकता है मैं उतना रखूँ, बस इतना ही आपको काम करना, ए इन मैक्सिमम की तरह अलाइन हो और ए वन को मिनिमम की तरह प्लान कर, राइट। देखो इसी के लिए ये आपको जो ऑपरेशन दे रखा वो उसी केस के लिए, बट अब तक हमने ऑपरेशन का कुछ भी यूज नहीं किया ना, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो हमारे पास एरे है, ये एरे हो गया, इससे अच्छा होता है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता जो दिया टेस्ट केस, चलो कोई नहीं इस पे ही समझते हैं, फिर एग्जांपल लेकर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है इसको हमें करना है मिनिमम और ये वाला जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रखना है, ठीक है। अब देखो अब क्योंकि आपका सारा खेल ये फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट पे चल रहा है, बीच के एलिमेंट का मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेंज दिया हुआ है एल आर, इसको हम इसी एलिमेंट के बेसिस के हिसाब से देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखो तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होंगे, 4 पॉसिबिलिटी। लेट सपोज एरे जो हमारा ए आर आर जो है वो बेसिकली 0 to n-1 लेंथ है, ठीक है। अगर 0 to n-1 लेंथ है, ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका 0 है और ये आपका n-1 है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, आपको या तो एक पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 0 to लेकर आप n-1 तक का रेंज चूज करो, देखो आप क्योंकि आपको जो है फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट से कंसर्न आपका है, बेस के एलिमेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हम उसी बेसिस पे अपने रेंज को देख रहे हैं, तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि एल इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू n-1 ने, तो हम कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है वहां पे चेंज करने की, तो इस रेंज के जरिए हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या बनता है कि आप एल इक्वल टू 0 लो, ठीक है। अब ये सेकेंड वाली पॉसिबिलिटीज है, सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये है कि आप एल इक्वल टू 0 लो
और आर कहीं तक जा सकता है, ठीक है, आर कहीं तक जा सकता है, आर लेस देन एन माइनस वन, बस। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड ऐसा हो सकता है कि सेकेंड वाला जो लास्ट एलिमेंट है ये मैक्स की तरफ है ही, इसको हमें चेंज नहीं करना। तो उस केस में हम रेंज हमें इस एलिमेंट को एक्सक्लूड करके लेना होगा, राइट। देखो ऐसा कुछ हो, लेट सपोज जैसे कि ये एग्जांपल मैं देता हूँ कि सेकेंड के लिए, चलिए यहीं पे देते हैं ताकि आप रिलेट करिए। यहाँ पे ऑलरेडी चार है और यहाँ पर एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है। देखो अब ये वाली इस पूरे की मैक्स वैल्यू है, तो अगर आप देखो तो इस वाले वैल्यू पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। और आपको बेसिकली ये वाले पोजीशन पे मीन करना है जो कि आप यहाँ से ला सकते हो। तो आप इस तरह का रेंज सिलेक्ट करोगे और अपना काम करोगे। ऐसा हो सकता है कि वन यहाँ पे ना हो, कि इस पोजीशन पे हो जाता है, छोटे रेंज को सिलेक्ट करो, इसलिए मैंने लिखा आर लेस देन एन माइनस वन। इसमें बहुत सारे इंटरवल जो है आपके, बहुत सारे जो रेंज हैं वो कवर अप हो गए, राइट। तो उस चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। थर्ड कंडीशन ये होगा आपका, थर्ड ये है कि आपका एल ग्रेटर देन जीरो हो और आर जो है इक्वल टू एन होगा। मतलब सिंपली जस्ट फर्स्ट वाला जो केस, सेकेंड वाला जो केस है उसको उल्टा, ऐसा कुछ चल रहा। अब फर्स्ट वाला लेट सपोज मिनिमम फिक्स है, बट है कि चार यहाँ पे और उसके पास सारे दो हैं। देखो उस केस में मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा तो मैं इस चार को मूव कर सकता हूँ ना यहाँ पे, तो ये चार हो जाएगा। आई थिंक ये मूव करने वाला है, तो है अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं इसके बाद पहले वो बता देता हूँ, वरना ये फ्लोर टूट जाए, पहले ये मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो ये चार को मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, फिर हो जाएगा। तो उस केस में क्या है कि एल आपको छेड़ना नहीं, इस एल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, इस एल में नहीं, मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ये ऑलरेडी मिनिमम है। तो इसके साथ कुछ भी अगर आपने किया तो सेकेंड वाला हो सकता है बन गया, तो फर्स्ट वाला भी कट जाएगा। इस केस में हमको इसको एक्सक्लूड करना, एटलीस्ट ये वाला एक्सक्लूड होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपने इस रेंज को लिया, आप सबसे बड़े वाले रेंज को हमेशा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच के एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे बात ही हमारा इक्वेशन क्या है कि ए एन माइनस ए वन हो, तो यहाँ पे कहीं देखो ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए एन माइनस वन तक किसी एलिमेंट की कोई बात ही नहीं। तो हमको कैसे भी करके क्या करना, ए वन को मिनिमम और ए एन को मैक्सिमम करना, ठीक है। आपको बस इतना ही सिंपल सा जो है आपका एम होना चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट। तो ये हो गया, तो एल ग्रेटर देन जीरो एंड आर इक्वल टू एन फिक्स है। फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि देखो भाई ऐसा है कि हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज ले ली जिसमें हम ये कर सकते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे एल ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन एन हो। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है ये कि ऑलरेडी ये एलिमेंट फिक्स है, दोनों फिक्स, अब इसमें मुझे कोई चेंजेज नहीं करने, इसमें कोई भी मैंने चेंज किसी पार्ट पे किया, किसी भी प्लेस पे, लाइक ए जीरो पे किया या ए एन पे किया, लाइक अगर मैं जीरो बोल रहा हूँ तो ये एन माइनस वन हो, ए जीरो पे किया या ए माइनस वन पे किया, दोनों पे चेंज करो या दोनों में से किसी एक पॉइंट पे चेंज करो, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों पे ही चेंज नहीं करनी है आपको। उस केस में क्या हो रहा है, अगर दोनों पे चेंज नहीं करना तो सिंपली दोनों को एक्सक्लूड कर दो। इसीलिए मैंने लिखा एल ग्रेटर देन जीरो, मीन्स यहां से कम एटलीस्ट यहां से शुरू होना चाहिए, और आर लेस देन एन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आर लेस देन एन माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट छोड़ देना है, लास्ट एलिमेंट छोड़ देना, बाकी कोई भी आप रेंज ले सकते, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको दिया गया है कि इस तरह आपको सोचना चाहिए। देखो ये चीज हो गई चार, चार में से जो चौथा है ये हमारे काम ही का नहीं है। अगर ये फिक्स है तो हम ये क्यों करेंगे, हमें तो सिर्फ डिफरेंस चाहिए ना, तो सिंपली हम डिफरेंस प्रिंट कर देंगे। इसके साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में हमारे पास कुछ है, इसके पहले हम लोग ये रोटेशन वाला जो है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, रोटेशन में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो हमारे पास जो है लेट सपोज एरे चल रहा है, ये ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, मैं ऐसा ले रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ एक बार, ठीक
किसी भी पूरे एरे को अगर बाद में कर रहा हूँ कि पूरे एरे को मैं रोटेट कर रहा हूँ एक क्लॉक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो आएगा ये A6, A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है, A6 - A1। यहाँ पे आंसर है आपका A5 - A6, और इसको रोटेट कर दो, यहाँ पे होगा A5 A6 A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा A4 - A5। और यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ A5 A6 A1 A2 A3, यहाँ पे आपका आंसर होगा A3 - A4। अगर इस तरह का हमारा करने के बाद आंसर फाइंड आउट हो रहा, तो मैं सारे केसेस को लिख रहा हूँ बेसिकली। A3 यहाँ पे चले जाओ एंड थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे A2 एंड यहाँ पे A1। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, चलो A6, ठीक है, A3 के बाद F4 F5 A6 A1 A2। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसके लिए, वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी अगर आपको ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो तो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, वरना बहुत लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं जो करना चाह रहा था वो रेडी है। अब डायरेक्ट बात करो, देखो यहाँ पे देखो इस जो आपका सिक्वेंस A1 - A6 राइट, अब मैंने रोटेशन शुरू किया, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट रोटेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से प्लेस प्लेस हो गया। इसके बाद अगर देखो तो आप K=1 जैसा ही है, K=2 3 4 5 6, 6 टाइम जब आपने किया इसे चीज को, तो आपको एज इट इज देखो प्रीवियस वाला मिला, फिर ये देख रहे हो तो उसके बाद वाले का ये मिला, और ये अब रोटेट होगा। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि अगर आपका एरे जो है 6 लेंथ का है, तो बेसिकली आपको 5 लेंथ के बाद, 5 टाइम्स के बाद आपको छठी बार करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, आप जो ही जो चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट हो रही थी वही चीज़ पे कैलकुलेट होगी। तो बेसिकली यही मैं कहना चाह रहा था कि ये चीज़ें 5 बार के बाद आपको रोटेट सॉरी रिपीट होने लगती है, यहाँ पे मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब डायरेक्ट तीनों कंडीशन जो हमारा उस पर एक ही करके बात करते हैं। पहला कंडीशन ये था हमारा, पहला कंडीशन था कि L=0 एंड R=N-1। मैं फर्स्ट एलिमेंट को रख अपना, देखो बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, इसको करना है मीन और उसको करना है मैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि L=0 R=N-1, मतलब मैंने पूरे को ऐसे करके हमने एक रेंज ले लिया। इस केस में क्या होगा, हम ट्राई करेंगे कि ये वाला मैक्स होगा और ये वाला मीन होगा। इट मीन और ये वाले, देखो ये वाले चीजों के लिए हमने ऊपर पूरा सिक्वेंस लिखा है, ये पूरा अगर हम सिलेक्ट करके रोटेट कर रहे हैं तो हर बार क्या होगा, A6 A1 A5 A6 A4 A5 A3 A4, और आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ होगा A2 A3। यहाँ पे देखो तो A1 A2, ये देखो कंसेक्यूटिव पेयर है, कंसेक्यूटिव A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6, और ये वाले कंसेक्यूटिव होंगे तो A1 के लिए करस्पॉन्डिंग A6। तो मतलब कि क्या होगा इसमें, अगर आप ये वाले रेंज ले रहे हो तो आपके पास टोटल, अगर 6 लेंथ कह रहे हैं तो आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है कंसेक्यूटिव एलिमेंट के लिए, तो आपके पास टोटल क्या होगा मैक्स ऑफ, अगर मैं थोड़ा सा लिख के लिखूंगा, ठीक है, तो ये होगा आपका बेसिकली A1 - A2 या कॉमा A2 - A3, ठीक है, या A3 - A4। मैं 6 लेंथ की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको n तक लेके चले जाओगे, ठीक है, तो ये होगा A5 - सॉरी A3 के बाद A4। यहाँ पे होगा A4 - A5 A5 - A6, और यहाँ पे एक चेंज करना होगा, सॉरी A6 - A1 राइट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अगर ये वाला सिचुएशन हो रहा है तो आपको सिंपली ये दिख रहा है कंसेक्यूटिव एलिमेंट का पेयर है ये, इसको छोड़ के, तो ये इसको आप थोड़ा सा एक्सेप्ट हैंडल कर लोगे लास्ट, कि I=2 n हुआ तो ये जो होगा I, क्योंकि n+1 पे आपको नहीं मिलेगा, तो ये डायरेक्ट आपको फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलेगा। यहाँ पे एफ एल्स लगा देना या तो लूप के बाहर इसको हैंडल कर सकते हो राइट,
इसको छोड़ के बाकी देखो सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट के पेयर है, तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट का जो डिफरेंस है उन सब के साथ ये जो डिफरेंस लेंगे उनका जो मैक्सिमम होगा ये आंसर होगा इस केस के लिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारे केस के लिए, तो सबका लास्ट में सबका मैक्सिमम लेंगे, तो इस पार्ट से मैक्सिमम हमारे पास ये वाले मिलेगा, ये फर्स्ट पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट से बात करें, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है एल इक्वल टू जीरो एंड आर लेस देन एन माइनस वन। ओके, मीन्स कि हमारा आर लेस देन एन माइनस वन, देखो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ये वाले एलिमेंट पे मैक्स फिक्स है और ये वाले एलिमेंट पे मुझे मीन करना है जो कि सही पोजीशन पे नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, कहीं ना कहीं इस बीच में मीन ही होगा। अगर यहाँ पे मीन नहीं, इससे मतलब इससे छोटा एलिमेंट कहीं पे पॉसिबल है, और मैंने आपको बोला कि कहीं का भी एलिमेंट देखो इस वाले, अगर पूरा मैं देखूँ ध्यान से, तो इस कहीं कोई भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे जाएगा सारे सारे जो आपका रोटेशन है उसको देखने के बाद। तो ये अगर ये नहीं करना है कि अगर ये एलिमेंट थर्ड पोजिशन पे है तो वो फर्स्ट पोजिशन पे जाएगा कि नहीं, वो जाएगा ही जाएगा, ये वैलिड नंबर ऑफ मूव में ही चला जाएगा, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना। तो अगर आपके पास इस पोजीशन के लिए यहाँ पे अगर लेट सब कुछ अभी 2 है और यहाँ पे 10 है, ये ऑलरेडी 10 मैक्स फिक्स है, और यहाँ इसके छोटा, इससे छोटा कोई एक एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर इसको छोड़ने के बाद बाकी एलिमेंट पे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने का आप सेलेक्ट कर लो तो ही आपका एक बार में हो जाएगा, आप चाहो तो इसके लिए इस पूरे को सिलेक्ट कर लो तो भी होगा, बस 2 मूव 3 मूव आपका ज्यादा लगेगा बट होगा, तो क्योंकि यहाँ पे मूव से हमें कंसर्न नहीं है। अल्टीमेटली गोल क्या होगा कि मिनिमम एलिमेंट यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे मेन हो जाएगा एक के रूप एक के जैसा और यहाँ पे एक मैक्स मिल जाएगा, तो आपका सिंपल क्या होगा, इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका होगा आपको एन से घटाना, तो ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा ए ऑफ एन। अभी मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली ये वन बेस्ट इंडेक्सिंग पे लिख रहा, ये ए ऑफ एन एंड मिनिमम ऑफ ऑल दोज एलिमेंट लाइक वन ए टू लाइक दैट एन माइनस वन तक, इन सब का जो मिनिमम होगा मुझे वही आंसर यहाँ पे लाना है, और ये मैक्सिमम ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, थर्ड केस जो है वो सिंपल यही चीज है, जस्ट उल्टा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था थर्ड केस के लिए, सिंपल एल इक्वल टू 0, ये आर इक्वल टू एन, फर्स्ट को मैंने फिक्स किया इस बार लास्ट को, लाइक उसके बाद लास्ट में फिक्स किया था, इस बार फर्स्ट को फिक्स करेंगे, तो यही है एल इक्वल टू। ओके 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 ओके, बेसिकली ये मैंने जो समझाया वो आपको उल्टा नहीं समझा दिया, यहाँ पे जो कंडीशन उल्टा नहीं है, लाइक जो कंडीशन मुझे बोलना था वो नहीं बोल के कुछ और बोल दिया मैं, कोई नहीं इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बेसिकली ये आपका, ठीक है, आई थिंक ये सही लिखा है ना, हाँ आर इक्वल टू 0 एंड आर लेस देन, ओके ओके सही है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, थर्ड वाले कंडीशन में एल ग्रेटर देन 0 एंड आर इक्वल टू एन, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट छूट जाएगा इस बार एंड बाकी रेस्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे मीन एज इट इज है आपके पास, आपको यहाँ पे मैक्स लाना है, इस बार क्या करना है, यहाँ पे मैक्स लाने के लिए सिंपल जो आपने यहाँ पे देखा एज इट इज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस चीज का मैक्स लेंगे, कहीं ना कहीं अगर मैक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये नंबर ऑफ रोटेशन में इसको यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो बस हम वही करने वाले हैं, इसको यहाँ पे लाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका एक आंसर यहाँ पे बस मिलेगा कि आपका मैक्स ऑफ ए वन टू ए एन तक का जो मैक्स है उसमें माइनस होगा ए ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं 0 बेस्ट इंडेक्सिंग और 1 बेस्ट इंडेक्सिंग में आई थिंक आपको उलझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 बेस्ट इंडेक्सिंग रखता हूँ, ठीक है, ये 1 वेल हो रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि ये चीज़ें जो है मैं रिपीट ना करूँ, लाइक या तो मैं 0 बेस्ट इंडेक्सिंग पे ही बताऊँ या तो सिर्फ 1 बेस्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो मैं फॉलो करूंगा नेक्स्ट टाइम से, मैं 0 बेस्ट इंडेक्सिंग पे ही पूरा काम करूँ, एक्चुअली क्या होता है हमारा माइंड 1 बेस्ट इंडेक्सिंग पे ही चल रहा होता है बेटा, कोई नहीं, तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे हम बेसिकली हम इसका मैक्स ले लेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर,
अब क्या है हमारे पास, तीन कंडीशन के तीन आंसर हो गए, ठीक है। अब इन सबका जो मैक्सिमम होगा बेसिकली वही मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे हम एक मैक्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर एक आंसर मिल रहा और एक यहाँ पे मिल रहा, अब इन सबका जो मैक्स होगा अल्टीमेटली वही हमारा आंसर होगा, राइट। चलते हैं कोड पे, और यहाँ पे मैं आपको कोड दिखाता हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा, मैं सिंपल टेस्ट केस ले रहा हूँ, एन आपके पास आ गया इनपुट, ठीक है। तो यहाँ तक नॉर्मल है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक वेक्टर, वेक्टर में सारे एलिमेंट को पुश बैक किया है, आंसर एक ले रहा हूँ, आंसर मेरा फाइनली जो आंसर होगा वो कंटेन कर रहा होगा, ठीक। पहले कल जो हमारा कंडीशन था उसमें हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, आई आई प्लस वन, तो आई और आई प्लस वन का जो डिफरेंस है उसको निकाल रहा हूँ और मैक्सिमाइज करते हुए चल रहा हूँ। तो मैक्सिमम में बेसिकली मेरा अब तक की जितने कैलकुलेटेड आंसर है उनका मैक्सिमम स्टोर होगा, तो यही फाइनल मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई प्लस वन लेस देन एन है, तो ये लास्ट वाले ग्रुप को चेक नहीं करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट वाला जो था, लाइक आप देखो यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए आपका फर्स्ट वाला जो है ये बन रहा है, फर्स्ट वाला बन रहा है, ठीक है। फिर तो ये वाला चीज यहाँ पे लूप में कवर नहीं होगी, ये चीज मैंने बाहर में सिंपली ऐसे कवर कर दिया, राइट, ये चीज होगी। अब सेकेंड वाले आपका जो केस है उसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए, सेकेंड वाले के हिसाब से मुझे मिनिमम चाहिए ए वन से लेके लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। तो मुझे बेसिकली मिनिमम चाहिए, मैंने मिनिमम उठाया, ठीक है, मिनिमम उठाया यहाँ पे। अब देखो लास्ट वाला अगर ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है, यहाँ का मिनिमम मिनिमम चाहिए, तो लाइक ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक के सारे का मिनिमम देख लूंगा, मिनिमम देखने के बाद लास्ट वाले एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करके फिर से मैक्सिमाइज करूंगा। तो बेसिकली अब तक का क्या है, अब तक का जो सबसे मैक्सिमम आंसर होगा वो आंसर का स्टोर है, ठीक है। थर्ड वाले इक्वेशन में क्या था, थर्ड वाले इक्वेशन में हमारा ये वाला पोजिशन फिक्स है, तो यहाँ से फर्स्ट इस पोजिशन से मुझे लास्ट पोजिशन तक के मैक्सिमम चाहिए, तो फिर मैं मैक्सिमम निकालने शुरू किया, सबका मैक्सिमम निकाला। और मैक्सिमम निकालने के बाद क्या होगा, जीरो एलिमेंट के साथ होगा, तो बेसिकली ये मैक्सो है, मैक्सो माइनस जीरो, बेसिकली आप ध्यान दो, हर जगह वी एन माइनस वी जीरो, वी एन माइनस वन माइनस वी जीरो, तो ये आपका फॉर्मेट है, इसको फॉलो आपको करना है, ए एन माइनस ए वन वाला है, तो अब ये जो मैक्स एलिमेंट वाला है लास्ट वाला एलिमेंट एंड ये फर्स्ट एलिमेंट है रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखो तो ये वाला लास्ट फिक्स है, इसलिए मैंने इसको रखा वी एन माइनस वन माइनस जो कैलकुलेटेड मिनी आया, इस केस में मिनी फिक्स हो रखा, तो ये वी जीरो फिक्स हो रखा, जो कैलकुलेटर है वो मैक्स हो रहा, राइट, ये चीज आपको ध्यान देना। फाइनली आंसर मैंने प्रिंट कर दिया और यही आपका क्वेश्चन का डिमांड है, यही आपको पूछा जा रहा है, ओके। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, कोडिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड क्वेश्चन का लिंक एंड कोड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दिया हुआ है, तो आप एक बार जाकर देख लेना। एंड रिसेंटली मैंने CSS प्रॉब्लम सेट का इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम, जो काफ़ी फेमस प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो इसकी काफ़ी डिमांड है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा वीडियोज इस पर रिलेटेड नहीं मिलते हैं, एंड मैं सारे वीडियोज हिंदी में बनाता हूँ बेसिकली, तो ये भी प्रॉब्लम मैं देखा था, ठीक है, अपने कॉलेज टाइम पर, इसलिए मैंने ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपको चैनल पे वो भी मिल जाएगी। आप चैनल को एक्सप्लोर करना, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट है, कुछ अमेजिंग प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, उस पर कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ, एक दो कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आप देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो चीज़, अगर आप सीरियसली वे में कर रहे हो तो, ओके। एंड वन मोर थिंग, कॉन्टेस्ट के बीच में कभी भी आप चीटिंग के लिए यूट्यूब पे किसी वीडियो किसी भी तरीके का चीटिंग पर्पज से आपको नहीं करना, भले ही आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना बने, ठीक है, ऐसा हो सकता, मेरे साथ भी बहुत बार अभी भी होता है कि कॉन्टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, तो मैं हर बार मैं सोचा हूँ कि अब क्योंकि मुझे दिख रहा है ये चीज़ कि लोग काफ़ी चीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नहीं करो वीडियो, मेरी वीडियो बहुत सारे चैनल पे वीडियो जो है वो अच्छे अच्छे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सही ढंग से समझा रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद आपको एक एक मिनट के अंदर आपको वीडियो मिल रहा है, तो कॉन्टेस्ट के बीच में आपको चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी देखो 40 मिनट बच रहा है, 35 मिनट बच रहा है, तो आप वेट करो, आपसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ट्राई करो, एग्जॉस्ट हो जाते हो छोड़ दो, ठीक है,
मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक स्पेशल मैं कुछ रखूँगा सेशन वगैरह, वहाँ पे मैं एक रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूँगा। ठीक है, तो बस मैं इतना बोल रहा हूँ, चीटिंग नहीं करना, बस करना आपको अपने खुद से करना, नहीं हो रहा छोड़ देंगे, वीडियो देखेंगे समझ के फिर अगली बार ट्राई कर लेंगे, बट चीटिंग नहीं करनी। ओके, इसी होप के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर। टिल नाउ, बाय गाइस।